प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इस दोपहर की शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ। आपको भी सर। तो आज हम एकल शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एकल शब्द क्या है, ये व्याकरण में आता है। जिस तरह व्याकरण में मेरे छात्रियों लिंग के बारे में हमने अध्ययन किया है और समास को जानते हैं और अभिव्यक्ति प्रत्यय को जानते हैं, उसी तरह ये एकल शब्द भी व्याकरण में आता है। एकल शब्द का अर्थ क्या है इसको जानेंगे। एकल शब्द का अर्थ है वाक्य या वाक्यांश को एक उपयुक्त रूप से एक शब्द देना, यानी संक्षिप्त में कहा जाता है कि वाक्य और वाक्यांश में ये सारे अनेक शब्दों को लेकर अपने में समेटे रहता है, यानी सारे शब्दों को लेकर एकजुट होकर एक शब्द को उत्पन्न करना, उचित रूप और निश्चित रूप से एक शब्द देना। जिस तरह उदाहरण देते हैं कि हमेशा कोई एक दूसरे का भलाई करता है, ये एक उदाहरण है। सबका भलाई करना ये एक वाक्य है। ये क्या है, ये सिर्फ एक वाक्य, सबका भलाई करना, यानी कन्नड़ सबका भलाई करना। अगर इसको वाक्यांश बनाएंगे, वाक्यांश में एक व्यक्ति को लेना पड़ेगा, जिस तरह आप है, मैं हूं या कोई सदी है, तो इन लोगों को लेते हैं। तो जैसे कि हम प्रसाद को लेते हैं, ये वाक्य है, ये वाक्य, ये वाक्यांश प्रसाद सबका भलाई करता है। प्रसाद सबका भलाई करता है, यह वाक्यांश। सबका भलाई करना है सिर्फ वाक्य। अब ये वाक्य और वाक्यांश है, प्रसाद आ रहा है, तो अगर हमें इसको एकल शब्द देना है, इसको क्या, इन दोनों को मिलाकर एक निश्चित और उचित रूप से एक शब्द को देना, तो इन दोनों को वाक्य और वाक्यांश को देखते हुए हमें पता चलेगा यहाँ पर परोपकारी आएगा। क्या आएगा, परोपकारी। तो ये परोपकारी यानी परोपकारी कौन है, इसमें प्रसाद है। प्रसाद जो है परोपकारी है, ये परोपकार ही एकल शब्द है। अनेक शब्दों को, ये सब एक शब्द है, का एक अक्षर है, भलाई एक शब्द है, करना एक शब्द है, ये भलाई है, ये सब है, का है, ये एक एक शब्द को मिलाकर, अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द देना निश्चित और उचित रूप से, वो क्या होगा, वो परोपकारी होगा। परोपकारी को हम एकल शब्द कहते हैं। मेरे छात्रियों, जिस तरह हम आज की दौर पे देश विदेश घूमते हैं, फिरते हैं, हर जगह जाते हैं, तो मैं अल्लाह पे विश्वास करता हूँ, कोई जीसस पे विश्वास करता है, कोई ईश्वर पे विश्वास करता है, तो जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसको हम क्या कहते हैं, जो ईश्वर पे विश्वास, विश्वास करता है। देखिए, जो ईश्वर पे विश्वास करता है, मैं उदाहरण को बता रहा था, मैं अल्लाह पे विश्वास करता हूँ, कोई जीसस पे विश्वास करता है, और हमारे जीवन सर और दूसरे ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, तो ये एक अक्षर, ये ईश्वर एक शब्द, और ये एक अक्षर, ये विश्वास एक शब्द, ये करता है एक शब्द, ये एक अक्षर है, तो इन अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द देना है, वो एकल शब्द है। संक्षिप्त रूप से अगर विश्वास करना, वो भी ईश्वर पे, यदि अगर यहाँ पर देखा गया तो ईश्वर पे भरोसा करने वाला, यानी धार्मिक और आध्यात्मिक अपने जीवन को बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं।
जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। तो बताइए समीना, इसके अंदर एकल शब्द कौन सा है? आस्तिक। इसमें एकल शब्द जो है वो आस्तिक है, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो ये जो भी मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में एक अंक के लिए बहुत जरूरी आने वाले हैं। तो और एक उदाहरण देते हुए मेरा इसको खत्म करूंगा। तो दूसरा, जो सब कुछ जानने वाला हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर प्रियंका, प्रियंका, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये अक्षर, ये सारों अनेक शब्दों को मिलाकर हमें एक शब्द निश्चित और उचित रूप से आपको समझना है। निश्चित और उचित रूप से यही शब्द को देना पड़ेगा, हमें दूसरा शब्द इस्तेमाल वहां पर उपयोग नहीं कर सकते। तो बताइए यहाँ पर कौन से शब्द को इस्तेमाल करके जो सब कुछ जानते हैं? प्रियंका सब कुछ जानती है, मुजीब सब कुछ जानता है। तो इन शब्दों को जानने वाला, सारे चीजों को जानने वाले को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं प्रियंका? सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कहते हैं। मेरे छात्रियों, हमें जान जिस वक्त हम पढ़ाई करते हैं, उदाहरण लेते हैं, शब्द को लेकर पढ़ते हैं, उस वक्त हमको ध्यान देकर सुनना और पढ़ना होगा, ठीक है? तो अगले क्लास के अंदर प्रगति में हम एक शब्द के विभिन्न रूपों को दे